YouTube चैनल एम चेंजर 2.0 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर है क्लास 12 का बायोलॉजी का। ये सेट नंबर 2 है 2018 का 300 और इसका कोड संख्या है 376GN। चलिए पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका, प्राकृतिक चयन यानी वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए वैसे ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया था लेकिन बहुविकल्पीय है तो हम करा देते हैं। तो प्राकृतिक चयन यानी वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया था, डार्विन ने। आपका विकल्प दूसरा सही है, पहले का दूसरा। दूसरा है होलोएंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। होलोएंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं यानी किस सूत्र पर स्थित होते हैं, यक्स पर या फिर वाई पर। यक्स पे या वाई पे या यक्स वाई दोनों पे या ये आटोसोम होते हैं तो ये किस पे उपस्थित होते हैं, वाई पर। होलोएंड्रिक जीन के क्रोमोसोम वाही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। देखिए कल का क्वेश्चन कराया था ना हमने, उसी से है ये। तो अगर आप कल वाला पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। कह रहा है कि कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। तो इंडो बर्मा भी है, पूर्वी हिमालय भी है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका भी है। तो कौन सा नहीं है, चौथा नहीं है, मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप नहीं है। तो आपका विकल्प चौथा सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा, विकल्प चौथा, ठीक है, मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप। देखिए ध्यान से देखिए, एन नहीं लिखा हुआ है ना, तो कौन सा नहीं है, मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप नहीं है, जबकि इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका है। चलिए अगला है कि पीत जर का वाहक है। पीत जर का वाहक क्या होता है, क्या एनोफेलीज होता है या क्यूलेक्स होता है या एडीज मच्छर होता है या मस्का होता है। तो ये जो पीत जर का वाहक कौन होता है, एडीज होता है। कौन होता है, एडीज मच्छर, ठीक है। तो विकल्प इसमें आपका तीसरा सही है। तो ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखिए हमने यहाँ पेपर हम इसलिए दे देते हैं ताकि आपको पता चले ना कि कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस के थे कौन से नहीं थे। तो जो आपके सिलेबस के हम वही करवाते हैं। तो दूसरा है, सहप्रवाहिता को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर नंबर दूसरा आपका क्या है कि इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। सहप्रवाहिता में क्या होता है कि इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। उदाहरण क्या है कि यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए ये लाल रंग का कोई मतलब किसी लाल रंग के पशु का किसी श्वेत को W मान लेते हैं, अब इनका क्रॉस कराया जाएगा, ठीक। तो कैपिटल R इसमें भी है, कैपिटल W इसमें भी है। अब इसका जब क्रॉस कराया जाएगा तो देखिए कैपिटल R कैपिटल W, ना तो ये शुद्ध लाल होंगी ना तो ये शुद्ध सफ़ेद होंगी। जो इनकी संतानें F1 पीढ़ी में होंगी, ना तो वो शुद्ध लाल होंगी और ना तो शुद्ध सफ़ेद होंगी, अर्थात लाल और सफ़ेद मिक्स होंगी, अर्थात F1 पीढ़ी में इनकी संतानें जो होंगी वो चितकबरी होंगी। देखिए अभी इसका इससे कराएंगे तो फिर यही मिलेगा ना। तो F1 पीढ़ी में जितनी भी इनकी संतानें होंगी वो कैसी होंगी, चितकबरी होंगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका था कि जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधी दो उपयोग लिखिए, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, वैसे इसमें जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं नहीं दिया था, बस उनके उपयोग लिखना था। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा
उच्च उत्पादकता वाली फसलों की किस्म तैयार की गई। हरित क्रांति के दौरान इन फसलों के प्रयोग से उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़ गया। यह जीवों में अनुवांशिक स्तर पर रूपांतरण द्वारा संभव हुआ। ऐसे जीव अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहलाते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे देखिए इनका उपयोग क्या होता है कि यह जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। ठीक, रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भर अर्थात कीट प्रतिरोधी होती हैं। खनिजों को कुशलता से प्रयोग करने वाली होती हैं। ठीक है, तो यही है आपका जैव प्रौद्योगिकी में कृषि संबंधी दो उपयोग। तो आप यही तीनों उपयोग केवल मतलब दो कहा था, तीन है इसमें, तो आप यही दो लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका चौथा था जैव विविधता तथा वन्य जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैव विविधता तो उस दिन भी था, लेकिन चलो ठीक है, दोनों में अंतर था, हमने सोचा करवा देते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र तथा जीवों में पारस्परिक निर्भरता करते हुए पादपों जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की आकृति आकार एवं स्वभाव संरचना तथा अन्य लक्षणों में विभिन्न जातियों की उपस्थिति को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जबकि वन्य जीव किसे कहते हैं, वन्य जीव वे जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में बाह्य परिवर्तन के बिना स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वन्य जीव कहलाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, ठीक है, ये वन्य जीव कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, आकृति मतलब पादपों जंतुओं सूक्ष्म जीवों की आकृति आकार स्वभाव एवं संरचना तथा अन्य लक्षणों में विभिन्न जातियों की उपस्थिति के कारण इनको इनमें जैव विविधता होती है। ठीक, तो ये आपका दोनों में अंतर हो गया। फिर अथवा करके चौथे में ही अथवा करके दिया था कि संकटापन्न जातियाँ यानी कि स्पीसीज यानी विलुप्त प्राय प्रजातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसको आपको पहले कई बार करवाया जा चुका, ठीक है, तो इसलिए ये पूर्वत हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति यानी कि माथा चौड़ा, गर्दन एवं उंगलियां छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंद बुद्धि या विमंदित, खुरदरी त्वचा, मोटी जीव, उभरा हुआ निचला ओठ आदि लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं। इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता या मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। ठीक, उत्तर नंबर 6वां जो आपका था वो आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है। लाख कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखे, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि ये 2018 का सेट है, और ये जब जूलॉजी बॉटनी अलग अलग पे दोनों का पेपर होता था उस तरीके का सेट है। तो कुछ चैप्टर भी आपसे हटाए गए हैं ना, तो इसलिए अगला है आपका 7वां कि यदि एक वरदान पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्ट का क्या अनुपात होगा। तो देखिए, जब कोई वरदान पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि पुत्रों को एक्स गुणसूत्र माता से तथा वाई गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है, परंतु सभी पुत्रियाँ वरदानता के जीन की वाहक होंगी क्योंकि यह जीन पुरुष के एक्स गुणसूत्र में स्थित है। अब देखिए क्यों ऐसा होगा, इन पुत्रियों में वर्णांता विकसित नहीं होगी तथा ये समान पुत्रों की तरह वर्णबोध कर पाएंगी क्योंकि ये संकर है, यानी कि ये केवल वाहक का काम करेंगे। यथार्थ इनमें पिता से प्राप्त एक सुप्त जीन है तथा माता से प्राप्त एक प्रबल जीन है, ये सुप्त जीन के वाहक का कार्य करेंगे, यथार्थ कोई भी संतान वर्णांत इनकी नहीं होगी। देखते हैं कैसे, पिता क्या था, वरदान, माता क्या थी, सामान। तो देखिए सामान के लिए माता का एक्स एक्स हो गया और पिता वरदान थे, तो वरदानता का जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर ही होता है। तो ये देखिए पिता वरदान है इसलिए इनके एक्स गुणसूत्र पर गोला बना दिया गया। ठीक, अब जब इनका जब कराया जाएगा संकरण, तो जब एक्स का इस वाले एक्स से कराया जाएगा तो देखिए एक्स एक्स यानी ये गुणसूत्र पर है, एक पे नहीं है। फिर जब इस एक्स का इस वाई से कराया जाएगा, सॉरी एक बाद में इन्होंने दोनों पे करा दिया, फिर एक्स इसका कराया जाएगा तो फिर वही कंडीशन आ गई। फिर इस एक्स का इस वाई से कराया जाएगा तो एक्स इसका नॉर्मल, वाई भी इसका नॉर्मल,
फिर यक्स का जब वाई से करा जाएगा तो यहाँ पर भी एक्स वाई आ जाएगा। तो देखिए ये रोग तभी होता है जब दोनों यक्स गुणसूत्र पर वर्णांता के जीन उपस्थित हो। तो इसमें भी केवल एक पे उपस्थित है, इसमें भी केवल एक पे उपस्थित है, तो जब दोनों पे होता तो ये रोगी कहलाती। एक ही पे है इसलिए वाहक का काम करेंगी। तो F1 पीढ़ी में इनके जितनी भी संतानें होंगी किसी को भी वर्णांता का रोग नहीं होगा, जबकि इनके जो दोनों लड़के होंगे इनके जो दोनों लड़के हैं ये क्या होंगे, ये दोनों सामान्य लड़के होंगे जबकि दोनों लड़कियां वाहक होंगी, कोई भी वर्णांता का रोग नहीं होगा। ठीक, अब देखिए 8वां आपका जो था वो भी आपके सिलेबस का नहीं है, 8वें का 8वां था वो भी नहीं है, 9वां भी नहीं है, 10वां भी नहीं है, 11वां भी नहीं है, 12वां। 12वां जो है आपका है पुनर्संयोजी DNA प्रौद्योगिकी क्या है, इस प्रौद्योगिकी का कोई एक उपयोग लिखे। तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार कराया गया है, ठीक है पहले। फिर 13वां पारजीनी ट्रांसजेनिक जंतुओं के उत्पादन की दो मुख्य विधियों को लिखे, तो इसको हम करवा रहे हैं। ऐसे जंतु जिन्हें उनके अनुवांशिक संगठन में अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित करके विकसित किया जाता है अनुवांशिकता रूपांतरित जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतुओं को निम्न तीन विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, किस किस विधि से? DNA सूक्ष्म प्रत्यारोपण, DNA सूक्ष्म प्रत्यारोपण विधि से, रेट्रोविषाणु मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण के द्वारा, भूरी स्टेम कोशिका मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण के द्वारा। ठीक है, तो अधिकांश जो होता है अधिकांश पारजीनी जंतुओं को निषेचित अंडी में सीधे DNA के सूक्ष्म प्रत्यारोपण द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। तो ये आपका हो गया। 14वां है आपका उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं चार राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे, उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं चार राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1936 में हुई थी। अब यह उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, अब यह उत्तराखंड में स्थित है। यह उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान इसके अतिरिक्त केवलादेव जो कि भरतपुर में है, रणथंबोर सवाई माधोपुर में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, काजीरंगा असम में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर 15वां क्या है, बहुविकल्पी एलील क्या है? ABO रुधिर वर्गों का वर्णन कीजिए तथा उनकी वंशागति को समझाइए। थोड़ा बड़ा है तो देखिए बहुविकल्पी एलील को गुणात्मक विकल्पता भी कहते हैं या बहुगुण युग्म विकल्पी बाद भी कहते हैं। तो यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले तीन या तीन से अधिक जीन्स में कोई भी जीन संजात गुणसूत्रों के समान स्थान पर उपस्थित होता है तो इन्हें बहुगुण विकल्पी कहते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति रुधिर वर्गों की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, जैसे मनुष्य में ABO रुधिर वर्गों की वंशागति बहुगुण एलीलवाद का मुख्य उदाहरण है। बर्न स्टीन ने यानी 1924-1925 के अनुसार ABO का ही पूछ रहा है ना, ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक अनुवांशिक लक्षण है जो संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होता है। इस जीन्स की वंशागति दो नहीं बल्कि तीन तुलनात्मक लक्षणों की जीन्स पर निर्भर करती है। तथा यह वंशागति बहुगुण एलीलवाद कहलाती है क्योंकि इसके जीन्स या एलील समजात गुणसूत्रों पर समान स्थानों पर स्थित होते हैं और सामान्यता जो होता है किसी एक व्यक्ति में दो ही एलील्स होते हैं, परंतु आबादी के जीन यानी समूह जीन पोल में इनकी संख्या तीन होती है। अतः बहुगुण एलीलवाद का संबंध समस्त अनुवांशिकी से होता है। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि वैसे तो दो होते हैं लेकिन आबादी के जीन में तीन होते हैं। तो देखते हैं संतान के लाल रुद्राणुओं में प्रतिजन यानी एंटीजन के निर्माण होने और नहीं होने का निर्धारण निम्नलिखित तीन प्रकार के जीन्स करते हैं। जैसे देखिए, जैसे IA जीन्स, ठीक, IA जीन्स जो प्रतिजन A का संश्लेषण करता है, IV जीन जो प्रतिजन B का संश्लेषण करता है, और IO जीन जो प्रतिजन की अनुपस्थिति को दर्शाता है। लेकिन देखिए, जीन IA एवं IV जीन IO के लिए प्रभावी होते हैं, ठीक, यानी जीन IA और जीन IV जीन IO के लिए प्रभावी होता है यानी डोमिनेंट होता है, लेकिन ये जीन्स परस्पर एक दूसरे के लिए प्रभावी ना होकर क्या होते हैं, सहप्रभावी होते हैं यानी को डोमिनेंट होते हैं। कोई भी व्यक्ति इन तीन जीन्स में किन्हीं दो को ही प्राप्त कर सकता है, तीन उसके पास नहीं होगा, होगा दो ही। अब देखते हैं किस प्रकार से, अतः छः प्रकार के जीन रूपों में निम्न चार लक्षण प्रारूप संभावित होते हैं। देखते हैं कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए किसी का रुधिर वर्ग ए है, तो या तो उसके लिए संभावित क्या हो सकता है, या तो जैसे उसका रुधिर वर्ग ए है तो या तो IA हो या तो IA IO हो सकता है, दो ही रहेगा, लेकिन संभावित जो है वो, देखिए जब ब्लड ग्रुप ए है तो या तो IA IA लिखा जाए या तो IA IO लिखा जा सकता है, ठीक। तो रुधिर वर्ग के लिए या तो हम IA IA लिखें या IA IO लिखें, रुधिर वर्ग बी के लिए भी ऐसा ही है, IB IB लिखें या IB IO लिखिए, और रुधिर वर्ग अगर AB है तो उसके लिए तो IA IB होगा, और रुधिर वर्ग O है तो उसके लिए जब दोनों पर O होगा IO IO तभी उसको ब्लड ग्रुप O माना जाएगा। अगर जैसे इसके IA के साथ O है तो इसको O नहीं, इसको A माना जाएगा, B के साथ O है तो इसको B नहीं, O नहीं B माना जाएगा, ठीक। अतः जनकों से IA IA या IA IO जीन्स प्राप्त करने वाली संतानों के लाल रुद्राणुओं में प्रतिजन A, ठीक, IB 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 O जीन्स प्राप्त करने वाली संतानों में प्रतिजन B, तथा जिन संतानों को जनकों से AB जीन्स प्राप्त होंगे उनमें दोनों प्रकार के होंगे AB। इसका मुख्य कारण दो जीन्स में परस्पर प्रभाविता का अभाव अर्थात सहप्रभाविता है, जो संतानें IO IO प्राप्त करती उनमें कोई प्रतिजन नहीं होगा। जीन IO अन्य दोनों जीन्स IA और IB के लिए अप्रबल होता है, इसलिए IA IO एवं IB IO जीन्स प्राप्त करने वाली संतानें क्रमशः प्रतिजन A एवं B बनाते हैं। रुधिर वर्ग AB O के वंशगत निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए जैसे पहला स्पष्टीकरण है कि यदि माता का रुधिर वर्ग A है और पिता का रुधिर वर्ग B है तो इसके लिए दो कंडीशन हो सकता है, ठीक। देखिए जैसे पिता का B है तो IB IB, माता का A है तो IA IA। अब इसका जब क्रॉस कराया जाएगा, देखिए जब IB का IA के साथ कराया जाएगा तो क्या होगा, IA IB, फिर इसका इससे कराया जाएगा तो IA IB, फिर इसका इससे कराया जाएगा तो IA IB, फिर इसका इससे कराया जाएगा तो IA IB, यानी कि इनकी सभी संतानों में रुधिर वर्ग AB ही होगा, ब्लड ग्रुप AB होगा, ठीक, पहला कंडीशन। द्वितीय संभावना क्या है कि यदि इनका IO IB हो, इनका IA IA हो, तो देखिए जब IA का IB से कराया जाएगा तो IA IB, फिर IA का IO से कराया जाएगा तो IA IO, फिर IA का IB से कराया जाएगा तो ये आएगा, फिर IO का इससे कराया जाएगा, यानी कि इनकी 50% संतानें ब्लड ग्रुप AB और 50% संतानों का ब्लड ग्रुप A होगा, ठीक। तृतीय संभावना क्या है, तृतीय संभावना यह है कि यदि पिता का IB IB हो और माता का IA IO हो, ठीक, तो IA जब IA का B से कराया जाएगा तो ये आएगा, फिर इसका इससे कराया जाएगा तो भी यही आएगा, अब इसका इससे कराया जाएगा तो IB IO आएगा, और इससे इसका कराया जाएगा तो IB IO आएगा, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या परसेंटेज आ रहा है,
तो इनमें 50% संतानें ए बी, यानी देखिए ए बी 50% और 50% संतानें ब्लड ग्रुप बी की होंगी। अब इनका देख लीजिए ऐसे, अब मान लीजिए पिता का आई बी आई ओ है, माता का आई ए आई ओ है, दोनों का असमान युग्मज है ना। देखिए अगर ए का बी से कराया जाएगा तो क्या होगा, ए बी आ जाएगा, ए का ओ से कराया जाएगा तो आई ए आई ओ आ जाएगा, आई ओ का बी से कराया जाएगा आई बी आई ओ, और आई ओ का आई ओ से कराया जाएगा तो आई ओ आई ओ, यानी कि चारों रुधिर, यानी देखिए ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, ये ब्लड ग्रुप ए हो गया, ठीक, ब्लड ग्रुप बी हो गया और ब्लड ग्रुप ओ हो गया, यानी कि चारों प्रकार की संतानें हो सकती हैं, चारों प्रकार की रुधिर वर्ग की संतानें। तो इस तरीके से इसकी वंशागति है, ठीक। आप ऐसे करके किसी भी ब्लड ग्रुप का, किसी का भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और 15वें का फिर अथवा था, अथवा में आपका था कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो क्रॉसिंग ओवर है नहीं, मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन है नहीं, तो उत्परिवर्तन था, तो उत्परिवर्तन पे आपको पहले करवाया गया है। 16वां है प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षात्मक तंत्रों का वर्णन कीजिए, चलिए इसको करा देते हैं। तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा हेतु एक अति विशिष्ट तंत्र पाया जाता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में उन सभी अंगों या कोशिकाओं को शामिल किया जाता है जो देह यानी बॉडी को सूक्ष्म जीव या बाह्य पदार्थों के प्रति सुरक्षा प्रदान करती हैं। एमिल वान वोरिंग को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है, सॉरी एमिल वान वोरिंग को, इम्पोर्टेंट है। प्रतिरक्षा के प्रकार, प्रतिरक्षा निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी उपरोक्त दोनों प्रकार की प्रतिरक्षाएं पुनः जनजातियों में उपार्जित प्रकार की होती हैं। अब देखिए आप विशिष्ट या सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा, और दूसरा क्या है, विशिष्ट उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक। तो अविशिष्ट या प्रतिरक्षा मानव शरीर की सामान्य अवस्था एवं शरीर तंत्रों की समुचित कार्यक्रिया पर निर्भर करती है। अविशिष्ट प्रतिरक्षा की प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के रोगजनक आक्रमणकारी अथवा प्रतिजनों में विभेद करने वाली क्षमता नहीं होती है, इसलिए यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोग से सुरक्षा प्रदान करने के अलावा सभी रोगों एवं प्रतिजनों से समान रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। इसको सहज अथवा स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी इसी कारण से कहा जा सकता है। अर्थात अविशिष्ट प्रतिरक्षा का एक रूप जातीय प्रतिरक्षा है, जिसके अंतर्गत एक जात में होने वाला रोग दूसरी जात में नहीं होता है। उदाहरण जैसे चूजों में एंथ्रेक्स रोग नहीं होता, क्योंकि एंथ्रेक्स का जीवाणु 37 डिग्री सेल्सियस पर सही प्रकार से वृद्धि कर पाता है, जबकि चूजों का सामान्य तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नस प्रतिरक्षा भी अविशिष्ट प्रतिरक्षा का ही एक और रूप है। उदाहरण, काली अफ्रीका से नस्ल के मानव में हसियाकार कोशिका अरक्तता बहुत सामान्य रोग है, परंतु ये मलेरिया से पीड़ित नहीं होते, क्योंकि मलेरिया परजीवी हसियाकार कोशिका में पूर्ण क्षमता में वृद्धि कर पाना संभव नहीं हो पाता है। दूसरा है विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इस प्रतिरक्षा में विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के रोगोत्पादक आक्रमणकारियों एवं प्रतिजनों से सुरक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पृथक विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसे विशिष्टीकृत प्रतिरक्षा कहते हैं। यह जन्मजात न होकर प्रतिजन के प्रभाव से अर्जित की जाती है, अतः उपार्जित प्रतिरक्षा है। इस प्रतिरक्षा में संवेदी अंग विशिष्ट कोशिकाएं तथा रुधिर में प्रभावित प्रतिरक्षी होते हैं। स्मृत तथा अपने बाह्य पदार्थों में विभेद इस प्रकार की प्रतिरक्षा की प्रमुख विशेषता होती है। शरीर द्वारा पहली बार किसी रोगजनक की सामना करने पर अनुक्रिया की तीव्रता कम होती है, यह प्राथमिक अनुक्रिया कहलाती है। इसके उपरांत यदि किसी उसी रोगजनक द्वारा आक्रमण होता है तो शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया तीव्र होती है और इसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। इसमें श्वेत रुधिर कोशिकाएँ भाग लेती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट तथा बी लिम्फोसाइट्स हैं।
जो लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथियों में जाकर परिपक्व होती है, वे टी लिम्फोसाइट में विभेदित हो जाती हैं। जो लिम्फोसाइट लिम्फ उत्तक में परिपक्व होती हैं वे बी लिम्फोसाइट में विभेदित होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिजन के संपर्क में आते ही टी लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होने के पश्चात लिम्फोसाइट में समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप ये चार प्रकार के टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। कौन कौन सा? मारक टी लिम्फोसाइट्स यानी किलर टी लिम्फोसाइट्स, ये कोशिकाएं रोगाणुओं की कोशिका पर सीधे आक्रमण करके उसे नष्ट कर देती हैं। दूसरा, सहायक टी लिम्फोसाइट हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ये मारक टी लिम्फोसाइट तथा बी लिम्फोसाइट की क्रियाशीलता को बढ़ाती हैं। तीसरा है दमनकारी टी लिम्फोसाइट्स सुप्रेशर टी लिम्फोसाइट्स, तो ये क्या करती हैं, कोशिकाएं संक्रमण समाप्त होने के पश्चात शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को रोकती हैं। और स्मरण कोशिकाएं, ये रोगाणु के संपर्क में आई कुछ कोशिकाएं संवेदनशील होने के पश्चात लसिका ऊतक में स्मरण कोशिकाओं के रूप में संग्रहित हो जाती हैं। दोबारा वही संक्रमण होने पर ये कोशिकाएं तुरंत क्रियाशील हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षियों का उत्पादन करती है, और कुछ बी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर प्लाज्मा कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। ये प्लाज्मा कोशिकाएं लसिका ऊतक में रहकर ही प्रतिरक्षी का उत्पादन करती हैं। तो कुछ बी लिम्फोसाइट स्मरण कोशिकाओं के रूप में ऊतक में संग्रहित हो जाती हैं, और शरीर में जब दोबारा वही संक्रमण होता है तभी स्मरण कोशिकाएं अपने जैसी लाखों कोशिकाएं बनाकर तेजी से प्रतिरोधियों का उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। तो इस तरीके से ये आपका भी क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा बड़ा है, थोड़ा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 16वीं का एक अथवा दिया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त पहले की जैविक खाद हाथी पाव और लाभदायक कीट, तो जैविक खाद तो है नहीं, लाभदायक कीट भी नहीं है, तो हाथी पाव पर आपको लिखना था। तो हाथी पाव यानी फील पाव या फाइलेरिया, ठीक है, कई नाम है उसका, तो आपको चाहे जो आंसर वही होगा, पहले से कराया गया है आपका, तो ये आपका 2018 का दूसरा सेट कंप्लीट हुआ। और आप सभी एम चेंजर 2.0 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच कीजिए। ठीक है, लाइक ज़रूर किया कीजिए ना, इससे पता चलता है। और हाँ, आप किसी ने कमेंट किया था कि मैम तीसरा और चौथा करवाइए, तो क्रम से सीरियल वाइज सारे करवाए जाएंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, कल तीसरा करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।